भारत के साबिक फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि आरएसएस और आईसिस और बोको हराम में कोई फर्क नहीं। फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में तब्दीली लाई, उन्होंने कहा नहीं, मैंने सिमिलर कहा है, सेम नहीं कहा। इस पर बातचीत आज हम करेंगे डॉक्टर रतन शारदा जी के साथ। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल भी फर्स्ट पोस्ट मैगजीन में लिखा है। मैं स्वागत करता हूं वीडियो लिंक पर डॉक्टर रतन शारदा जी का। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। देखिए ये एक बहुत ही आउटलैंडिश किस्म की स्टेटमेंट है कि आरएसएस और आईसिस और बोको हराम ये एक ही तरह के ग्रोह हैं। अगरचे आपने अपने आर्टिकल में पूरी बात का नतारा किया कि इस तरह की बात कहने वाले कैसे नॉर्मलाइजिंग टेररिज्म कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आज वो कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, मैंने तो सिमिलर कहा है, सेम नहीं कहा, बहुत फर्क है। तो आफ्टर ऑल ये एक जो रूड एलिमेंट है कि जी हमें ही सब कुछ पता है और बाकी सब गलत हैं, इसके पीछे सर आपको क्या कारण नजर आता है? देखिए ऐसा होता है ना कि नवाबी चले, नवाब नवाबी खत्म हो जाते, नवाबी पना नहीं जाता। तो ऐसे लोग हैं जिनका नवाबी पना, नवाबगिरी बहुत साल चली, 1947 से लेकर और अब 2014 तक चल रही थी, बीच में 5 साल के लिए आए थे वाजपेयी जी। तो अब उनको जब लग रहा है कि दोबारा सत्ता हाथ में नहीं आएगी, लेकिन वो ऐंठ नहीं जा रही नवाबी की, इसके कारण ये बार बार कहना कि सामने वालों को कुछ समझ नहीं है, सामने वालों का आकलन नहीं है, ये जरा उनका अपने आप को छुपाने का। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन आप ज्ञानी नहीं हो सकते। समस्या ऐसी है कि आप पढ़ लिख गए, अक्षर ज्ञान आ गया लेकिन बुद्धि नहीं आई। तो ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं तो दूसरे को कम गिनाना, ये इनका बहुत साल बहुत समय से इनका चला रहा है। लेफ्टिस्ट भी यही करते हैं, और यहाँ तक कि ये जो कह रहे थे ये कोई इन्होंने अकेले नहीं कहा, ये बहुत पहले शुरू हुआ। यानी ये नेहरू जी से लेकर लगातार कांग्रेस के अंदर ही और उनके सारे लेफ्ट दोस्तों में रहा कि हिंदुइज्म बड़ा नीच है, हिंदू धर्म में दम नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म की कोई अचीवमेंट नहीं है, भारतीयों को कोई अचीवमेंट नहीं है, हमको जो दे गए अंग्रेज दे गए। एक जो गुलामी की सोच थी जिसको 1947 के बाद भी और नेहरू जी के और इंदिरा गांधी जी के छत्रछाया में लेफ्टिस्ट ने फैलाया, उसमें पले बड़े ये लोग हैं, एक प्रिविलेज क्लास है जिसको आज जनता अस्वीकार कर रही है, जिसके कारण वो तड़पड़ा के इस तरह की स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं। राहुल गांधी ने दी, उसके पहले मणिशंकर अय्यर देते थे और बीच में गब्रार अलवी कोई है प्राणी, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट दी। तो ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर इनको तर्क शुद्ध के उत्तर देंगे तो इनको फिर बहुत घबराहट होती है, अगर केवल चिल्लाएं तो बोलते देखो हमने तो कहा था। तो तर्क शुद्ध उत्तर तो देना ही पड़ता है। अगर मैंने यही कहा था कि जो टेरर ग्रुप्स को ये कह रहे हैं उनके बराबरी ला रहे हैं, वास्तव में वो हिंदुत्व को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो बोको हराम और आईएसआई जैसे जो क्रूअल है, इस प्रकार के जो ग्रुप है जिन्होंने पूरी पूरी एक एक धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे सारे देश में दुनिया में तबाही मचा के रखी है, अत्याचार किए हैं, उनको नॉर्मलाइज करना और ये कुछ गलत काम नहीं कर रहे ऐसा बताना, ये इनका मुख्य रूप से उद्देश्य है। क्योंकि ना तो कभी हिंदुत्व वालों ने बंदूकें उठाई, ना उन्होंने किसी धर्म पंथ वालों को भारत से बाहर निकाला, ना उन्होंने बंदूकें लेके स्त्रियों पर अत्याचार किए। बोको हराम की मशहूरी क्या है कि एजुकेशन है हराम है, इसके कारण लड़कियों को उठा के ले जाओ, किडनैप करो, बेचो। आईएसआई ने क्या किया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उनको नॉर्मलाइज करना ये इंसानियत के ऊपर धब्बा है। तो इस प्रकार की तो किसी तरह से कंपैरिजन होती नहीं। अब सिमिलर और सेम के अंदर क्या फर्क है, उनको कोई पूछे सिमिलर यानी क्या होता है। और मुझे कल एक बहुत बड़ी पत्रकार उसका फोन आया, उसने कहा मैं ये मानती हूँ कि इस्लाम जो है ये धर्म है और इस्लाम पॉलिटिकल इस्लाम अलग है, उसी तरह हिंदुइज्म अलग और पॉलिटिकल हिंदुइज्म हिंदुत्व अलग है। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है इस्लाम के और फंडामेंटल्स जो है हिंदुइज्म के धर्म के वही अलग है। हिंदू ने सभी को इंक्लूसिव माना है, हमारी संस्कृति ने, चाहे वो धर्म उनका पंथ कोई भी रहा हो, जो हमारे यहाँ रहा उसने सभी पंथों को इज्जत दिया है, मान दिया है, सभी को कहा है कि सभी एक ही सत्य की ओर जा रहे हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ये सोच का ही दुरुपयोग कई लोगों ने हमारे विरुद्ध किया, और हमने ये कहा कि आप अपने अपने रास्ते से भगवान तक जा सकते हैं, आपको अपने तरीके से जीने का हक है। हिंदू तो इतना ही कहता है कि आपकी जोड़ आपका जो कनेक्शन है, आपका कनेक्शन यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के
जमीन से, यहाँ के इतिहास से है। बाबर आपका हो नहीं सकता, वंशज आपके वंशज यहाँ के ही होंगे। ये जिस दिन बात समझ गए, वो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट अगर भारतीय हिंद मुसलमान समझ जाता है तो सलमान खुर्शीद जैसों की बात चलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता, मुझे ये बताइए कि ये कहते हैं कि हम आजकल बहस चलती है टीवी पर, हम कहते हैं कि सऊदी में तो ये हो रहा है, कतर में ये हो रहा है, तो बोलते हैं उनसे कंपेयर मत करो, हम इंडियन हैं। अरे भाई, अगर आप इंडियन हैं तो आप अरबी जो कस्टम्स हैं, अरबी जो विचार है, अरबी जो वहाँ के कबाइली जो नियम है, उनको फिर क्यों भारत में दोहरा रहे हो? आप कह रहे हो ना आप अलग हो। अगर अलग हो आप भारत के मुसलमान, तो जिन अरबियों की नकल खुद छोड़ रहे हैं उनकी आप कहते हैं आप नकल करो। आपको आश्चर्य होगा, हमारे रजा एकेडमी जिसने भी बहुत दंगे, उसके कारण दंगे हुए, उसने सऊदी अरेबिया के विरुद्ध तो कंप्लेंट की है, क्रिटिसाइज किया है, मोर्चा निकाला कि सऊदी अरेबिया अब लिबरल क्यों हो रहा है, सिनेमा क्यों खोल रहा है और महिलाओं को अधिकार क्यों दे रहा है। ये हमारे यहाँ के कई सो कॉल्ड लीडर्स की सोच है, समस्या यहाँ पर है। और जिस दिन आप बोको हराम को सही कहेंगे उस समय आप इन लोगों को भी सही कहेंगे। तो बहुत घटिया वोट की राजनीति है, और इसमें से जब तक मुस्लिम समाज खुद बाहर नहीं आता, कोई बाहर वाले उनको बाहर नहीं निकाल सकते। आपने कहा कि ये बहुत ही घटिया रुख है राजनीति का, तो डॉक्टर साहब क्या ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं या इस तरह की इक्वेशन जो वो अपनी किताबों में बनाते हैं, ये सिर्फ राजनीति के कारण है या फिर इग्नोरेंस का ये सारे का सारा मामला है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स इशू है क्या? नहीं, इग्नोरेंस नहीं है, ये ट्विस्टेड माइंडसेट है। जैसे मैंने कहा कि जो अंग्रेजों की जो एक सोच थी, जिनको लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने सिखाया वेस्ट सेंट्रिक व्यू पॉइंट भारत का, उसी व्यू पॉइंट को लेके लोग चल रहे हैं, और एक मन में न्यूनता की एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उन्होंने और कुछ भारत के बारे में जाना नहीं, पढ़ा नहीं। उसका नतीजा ये है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। ये भाषा कम्युनिज्म से आई, ये भाषा चर्च इंस्पायर्ड वेस्टर्न फिलोसफी से आई, और उसको इन्होंने अपनाया, अपना को सोचा नहीं इन्होंने, इसके कारण इनकी समस्या है। और आपको ट्विस्टेड थिंकिंग का यहाँ तक बताता हूँ, आप खुद पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। एक और किताब में सलमान खुर्शीद लिखते हैं कि 1984 में हुए सिख दंगों, सिखों के ऊपर जो अत्याचार किए गए, उससे मुस्लिम समाज भारत का बड़ा खुश था। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो उन्होंने कहा कि वो खुश थे, उनको ऐसा लगा कि 1947 के पार्टीशन का जो पाप किया था हिंदू सिखों ने, उसका बदला उनको मिल गया। अब आप सोचिए कि एक वाक्य के अंदर उन्होंने वहां के पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना और मुस्लिम लीग को आजाद कर दिया इस जिम्मेवारी से कि पाकिस्तान उन्होंने बनाया, और पार्टीशन की जिम्मेवारी सारी हिंदू सिखों के ऊपर डाल दी, जो कि इतिहास के किसी भी पन्ने पर किसी तरह साबित नहीं होता, किसी प्रकार सच नहीं है। तो इस प्रकार का सोच जब होगी तो अज्ञानता से नहीं होती, ट्विस्टेड माइंडसेट हो गया। एक तो वो जो मूल भारत की सोच है उनको पता ही नहीं है, उसको कभी ग्रहण करने का इन्होंने विचार नहीं किया, और दूसरा ये कि वो करते थे उनको बाहर उस प्रकार की इज्जत अफजाई होती नहीं, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज, वहाँ के एकेडमिक्स ऐसे लोगों को बुलाते हैं फाइव स्टार, वो उनको इज्जत मिलनी नहीं थी, इसके कारण वो ऐसी बातें करते हैं। और राजनीति में, पॉलिटिक्स में उनको लगता है कि ऐसा बोलना फायदा होगा, इसलिए बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे बदलेगा। आपने कहा पीछे कि जो इनका रवैया है वो इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम को जिस तरह ना समझने का है, और फिर ये इक्वेट करते हैं हिंदुइज्म और हिंदुत्व को, ये जाने बगैर कि ये बहुत बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, तो इसमें राजनीति मुझे नज़र नहीं आती डॉक्टर साहब। इसमें मुझे लगता है कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे होने के बावजूद, सिर्फ मैं इनका नाम नहीं लेता, मिस्टर सलमान खुर्शीद का, भारत के बहुत सारे राजनीति करने वाले सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, इवन सम टाइम कभी कभी मुझे शशि थरूर भी इस क्लब में नज़र आते हैं, कि आफ्टर ऑल इनको ये बारीकियाँ क्यों समझ नहीं आती? देखिए, शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, उनको लगता है वोट बैंक अपने को मिल जाए, वोट मिल जाए तो हम इसके लिए कुछ भी करेंगे, आगे जाके उसका दुष्परिणाम क्या होगा, उसके खराब असर क्या होंगे, इसके बारे में सोचते नहीं। जब 1921 के अंदर मोपला लोगों का साथ कांग्रेस ने दिया था, खिलाफत आंदोलन जो खलीफेट को पुनर्स्थापित करने के लिए, रिस्टैब्लिश करने के लिए था, उस समय का उनका जो साथ था उसके अंदर जो गलतियां हुई, गलतियां आगे दोहराते चले गए। भारत के पॉलिटिक्स के अंदर जो एक पढ़ा लिखा एक मुस्लिम तबका था उसको दूर कर दिया गया,
और सातवीं शताब्दी में जीने वाले जो मुल्ला मौलवी थे उनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया, जिसके कारण भारत की राजनीति में एक डिस्टॉर्शन आया और डिस्टॉर्शन आज तक चल रहा है। जहां तक थिंकर का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू से ही भारत को आज तक देखते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हिंदुत्व अलग अलग है, जबकि हिंदू के साथ एसेंस ऑफ हिंदू लगाएंगे तो हिंदुत्व बन जाता है। तो अगर आप हिंदू हैं तो उसके अगर एसेंस को समझेंगे तो आप हिंदुत्ववादी हैं या आप हिंदुत्व को मानते हैं, आपके अंदर हिंदूनेस की सारी प्रॉपर्टीज हैं, एज ताहिर गोरा आपके अंदर भी वो हिंदूनेस है जो कि भारत के हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। उसके बहुत सारे तो उदाहरण है, मैं कई बार दिया करता हूँ, लेकिन ये हमारे अंदर है। आज भी अगर मुस्लिम कलाकार है कोई क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल का ड्रामा का, वो स्टेज पे चढ़ते समय स्टेज को नमन करता है, स्टेज को सैल्यूट करता है, झुक के उसको आदाब करता है। ये प्रथा केवल भारत में है। एक उदाहरण मैंने आपको केवल दिया, ऐसे कई उदाहरण है, क्योंकि हम मानते हैं कि कला के द्वारा भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कला के अंदर भी आपके अंदर एनोबलिंग प्रॉपर्टीज है। ये बात चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू है, वो हमारे संस्कारों में है, क्योंकि हम उस कला के अंदर वो शक्ति देखते हैं जो हमें ईश्वर के नजदीक लेके जाता है। एक आपको एक हिंदू ने इसका उदाहरण दिया। अगर आप मानते हैं कि आपके हमारे जो है अलग पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन हमारे जो हेरिटेज हमारा कल्चर एक ही है, वो भी एक हिंदूनेस की निशानी है। आप खेल देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम तक वही खेल है, अलग अलग नाम से खेल है। और यहाँ तक कि खेलों के अंदर देखें तो सारे भारत में कबड्डी अगर आप देखते हैं तो एक ऐसा खेल है जिसके अंदर एक खिलाड़ी मरने पे दूसरा खिलाड़ी फिर खड़ा हो जाता है। व्हाट इज दैट? इट इज पुनर्जन्म। ये खेल के अंदर पुनर्जन्म की व्याख्या केवल भारत के खेल में है, और यहाँ का हर खिलाड़ी मानता है, वो किसी भी पंथ का हो। हमारा जो हमारे अंदर पानी फ्री में देना, पानी कहते पैसे नहीं लेना, गरीब से गरीब आदमी भी आपको चाय पिला देगा, पैसे नहीं मांगेगा, ये सारे भारत में कोई भी पंथ हो मानता है ना। तो इस प्रकार की जब प्रकृति की पूजा करना है, हम नदी की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए थोड़ी करते हैं कि नदी को हम देवी मानते हैं। हम नदी को देवी इसलिए मानते हैं कि वो हमारे जीने का एक साधन है। तो चाहे वो किसी धर्म के पंथ का हो, जब प्यू सर्वे हुआ था, हमारे यहाँ के मुसलमान ही मानते हैं कि गंगा पवित्र नदी है। क्यों मानते हैं? कि उनके संस्कार में है, उनके खून में है। तो अगर हम प्रकृति को अपने ईश्वर का स्थान मानते हैं कि वो ईश्वर है, प्रकृति है इसलिए हम जीवित है, सूर्य इसलिए हम जीवित है, और उनको हम इज्जत का स्थान देते हैं ताकि हमको कंजर्व कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, ये भी हमारी सारी संस्कृति में। इसके लिए आपको हिंदू मुसलमान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू एज ए हिंदूनेस आपका है, पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है। तो ये जो डिफरेंसेस आया है, जिसको बोको हराम जैसे लोग, इस्लामिस्ट ISI जैसे लोग उभारते हैं बार बार, उनको जब तक ये समाज नहीं नकारेगा, केवल ये कहता रहेगा सच्चा मुसलमान नहीं है, इससे काम तो नहीं चलेगा। वो भी तो कुरान को कोट करते हैं, कोई नहीं कह सकता कुरान को गलत कोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले कितने स्कॉलर हैं? मैं जानता हूँ स्कॉलर्स को जो बोलते हैं कि ये भाग जो आज ये आज समय के लिए उचित नहीं है, दिस इज नॉट फिट फॉर टूडेज वर्ल्ड, सो दिस कैन बी अवॉइडेड, दिस इज 7th सेंचुरी ट्राइबल वॉर एंड दीज थिंग्स वर रिटन, सो वी शुड ओनली स्टिक टू दोज एनलाइटनिंग थॉट्स व्हिच प्रोफेट गिव। ये जब तक कहने वाले लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक कंफ्यूजन ये रहेगा कि हमारे मुसलमान लोग चाहेंगे कि ये इस्लामिक टेररिज्म खत्म हो, लेकिन उनको शरिया भी चाहिए। जिस दिन आपने शरिया लागू करने वालों को अस्वीकार किया, लेकिन शरिया लागू कर रहे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन समाज को समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि असल जो बात है वो हिंदूनेस की है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आई एम अ हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, बिकॉज मेरा वो हिंदूनेस है वो मेरी सिविलाइजेशन है। मेरी जो स्पिरिचुअल फीलिंग है या जो एग्जीबिशंस हैं वो सभी तरह के हैं। जी, लेकिन ये सोचिए ना, जी जब पाकिस्तान का इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है तो अपनी इतनी बड़ी विरासत को नकार रहा है। वो विरासत जो उसको पार्टीशन में मिल गई, जिसकी वो कदर नहीं कर रहा, चाहे हड़प्पा हो चाहे तक्षशिला हो, उससे अपने आप को नहीं जोड़ता, अपने आप को केवल कुछ साल पुराना दिखाता है, तो अपने खुद की जड़ें काट रहा है, जिसका नतीजा तो भुगत रहा है। तो डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन में जब ये सादा सी बात मुझे समझ आ रही है यहाँ कनाडा में बैठे हुए पाकिस्तानी समाज में पैदा होने की बावजूद, एक बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी की बात मुझे समझ आ रही है, तो जो भारत में रहने वाले वहाँ से पलने बढ़ने वाले बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस नहीं समझ पाते, राजनीति के नाते या अपने आइडियोलॉजी के नाते,
तो उनकी आपको आज के समाज में, भारत के समाज में कितनी बड़ी तादाद और कितना बड़ा इन्फ्लुएंस नजर आता है? देखिए, अगर आप ये देखें कि जो लोग पहले कहते थे कि जो मंदिर में जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, जो लोग पहले कहते थे कि मंदिर अच्छे स्थान नहीं है, वो आज मंदिरों में भगवा कपड़े पहन के, लुंगियां पहन के, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के जा रहे हैं, उनकी बहनें भी जा रही हैं मंदिरों के अंदर। जो समाजवादी लोग कहते थे कि भाई राम मंदिर बनने की आवश्यकता नहीं है, हॉस्पिटल बनना चाहिए, ऐसे लोग भी कहते थे आप जैसे लोग, कि हॉस्पिटल बना दो, पब्लिक यूरिनल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, वो लोग भी आज कहते हैं राम मंदिर जाना है, वो भी कहते हैं कि राम को नमन करता हूँ, दुर्गा को नमन करता हूँ। तो उनको ध्यान में आ गया है कि समाज बदल चुका है, समाज की सोच बदल चुकी है, वो अपनी अस्मिता पहचानने लगा है, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति का गौरव करने लगा है, और अब उसको और बेइज्जत करना ठीक नहीं है। तो जहाँ एक तरफ वोट के लिए मुल्ला मौलवी के चक्कर काटता, वहीं पर अपनी पहचान जो बना रहा था बहुत अल्ट्रा मॉडर्न, जिस जो किसी हिंदू की इज्जत नहीं करता, उसको आज मंदिरों में जाके बताना पड़ता है कि मैं भी हिंदू हूँ। आज ये ऊपर का अंतर है, धीरे धीरे अंदर का भी अंतर आएगा, क्योंकि ये पता चल गया कि हिंदुओं को इंसल्ट करके, हिंदुओं के इंटरेस्ट को नकार करके वो सत्ता पे नहीं आ सकते। ये ध्यान में आने के बाद उनका स्वार्थ जागा है, ये भी स्वार्थ ही है। पहले उनका स्वार्थ था वोट बैंक का, अब उनका स्वार्थ है कि ये बहुत बड़ा जो हिंदुओं का तबका है जो इस तरह की बात सहन नहीं करता, उनको भी हम नाराज ना करें। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, लेकिन अपॉर्चुनिज्म इतना हो गया है कि उनको ये करना पड़ रहा है, उनको किसी ने कहा नहीं, उनको करना पड़ रहा है। तो ये बदलता हुआ समय है, बदलता हुआ समाज है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम आज इस धारा से बाहर आके मुख्य धारा से मिलना चाहते हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा आज भी मेजोरिटी जो है वो मुल्ला मौलवियों के कब्जे में है, और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, उनकी आपस में लिंक इतने स्ट्रांग है, आप जानते हैं गेटो मेंटेलिटी है। अगर किसी के बारे में किसी मौलवी ने कह दिया तो उसको ना तो उसके घर में शादी होगी, ना उसका संस्कार भी हो पाएगा। इस तरह का जब डर होता है उस समय समाज उसमें जल्दी चंगुल से निकलता नहीं। तो चंगुल से निकलना होगा जब उनको लगेगा कि सामने ऐसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो। जहाँ तक इंटेलेक्चुअल्स का सवाल है, जब तक उनकी रोटी पानी पश्चिमी यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट सेमिनार और वेबिनार से चलता है और उनको वहां पर एक अच्छा स्थान मिलता है, तब तक वो नहीं बदलेंगे। जब उनको पता चलेगा कि वहां के लोग भी सच समझने लग गए हैं कि हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, तब वो भी बदलेंगे। उनका इंटेलेक्चुअलिज्म बिकाऊ है, उनका इंटेलेक्चुअलिज्म गहरा सच्चा इंटेलेक्चुअल नहीं है, जो अपनी बात पे अड़ा रहे, वो अपनी अपनी बातें बदलते रहते हैं, समय समय के अनुसार कुछ ना कुछ अपने भाषा भी बदलते हैं। जिन लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात की थी, जो प्योरली अंग्रेजों की देन थी, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने नकार दिया था अपने सबसे पहले, उन्होंने जो उसको एविडेंस कहा था, और उस वो लोग आज कहते नहीं चलो आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, आर्यन माइग्रेशन हुआ था। अभी जेनेटिक स्टडी पे खुद जवाब नहीं दे सकते कि सबके जीन्स एक है, तब वो कहते हैं किसी एक जर्नलिस्ट को उन्होंने डीएनए स्पेशलिस्ट बना दिया, अब वो उनकी तरफ से किताब लिख रहा है। तो दिवाली जो दिवालियापन एक इंटेलेक्चुअल्स का हो रहा है, वो धीरे धीरे उजागर हो रहा है, उनको उत्तर मिलने लगा है। समस्या ही है कि उनको उत्तर देने वाले हमारे जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, और भारत के अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल खड़े हो रहे हैं जिनको सलमान जी कहते हैं कि उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश न आना से अच्छा है कि संस्कृत और हिंदी ना आना, जिसके कारण आपको पता नहीं कि समाज के जड़ें कहाँ हैं। इसके कारण आपको लगता है, क्योंकि जब तक आप अंग्रेजी में सोचोगे, मैं कहा करता हूँ कि जब आप ग्रीनविच पे लाइन पे खड़े हो गए तो आप पश्चिम से भारत को देखोगे, जिस दिन उज्जैन पे आ गया, महाकाल के जीरो मेरिडियन को मानने लगे, उस दिन आप भारत की तरफ से सोचोगे। क्योंकि आज से हजारों साल पहले उज्जैन को जीरो मेरिडियन मानते थे, वहीं से काल की गणना होती थी और उसी को महाकाल कहा गया। जिस दिन ये लोग ये अपने ग्रीनविच टाइम से उज्जैन को 0 डिग्री मानकर, 0 मेरिडियन मान के सोचने लगेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे एक आरएसएस के प्रचारक है, थिंकर, वो कहा करते हैं रंगारी जी कि योर व्यू पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्टैंड पॉइंट। अगर आपका स्टैंड पॉइंट ही ऑक्सफोर्ड है, आपका स्टैंड पॉइंट ही कैम्ब्रिज है, तो आप भारत के अंदर का सोच कैसे लाओगे? और फिर आप सोचोगे अंग्रेजी में, हमारे तो कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब अंग्रेजी में नहीं लिखी है। आप संस्कृत पढ़े बिना अंग्रेजों के ट्रांसलेशन को पढ़ के आप डिसाइड करो कि हमारी किताब में क्या लिखा है। आज पादरी और जो मौलवी स्कॉलर है बताएंगे हिंदू समाज, हिंदू धर्म में क्या लिखा है। वो केवल एकमात्र हिंदू ऐसा धर्म है जिसके सेमिनार में हिंदू स्कॉलर इनवाइट नहीं होते, जो होते हैं वेंडी डोनेगर के सगे वाले होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, लेकिन जेन्युइन जो हिंदू स्कॉलर होगा, जो संत होगा, जो बड़ा शास्त्री होगा, उसको नहीं बुलाते। लेकिन किसी भी क्रिश्चियन सेमिनार में, इस्लामिक सेमिनार में, उनको जज करने वाला बाहर वाला नहीं हो सकता, और ये सही है। लेकिन हिंदू समाज के ऐसा क्यों होगा?
तो जब हिंदू समाज अपने बारे में खुद बात रखने को तैयार होगा, रखने लगेगा, और पश्चिम के एकेडमिशियंस को उनको बुलाना पड़ेगा पर फोर्स, सो दे कीप देयर क्रेडिबिलिटी, उस समय चित्र बदलेगा। डॉक्टर साहब, आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा और ये एक रियलिटी भी है कि जब भी आरएसएस को मिलाइन किया जाता है, गलत तरीके से पेंट किया जाता है और अक्सर किया जाता है, वो कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और कभी भी जवाब नहीं देते। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये कितनी इफ़ेक्टिव है, या इसमें थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए ताहिर जी, तब्दीली तो आई है। आप ये सोचिए तब्दीली बड़ी लेट आई, मैं ऐसा मानता हूँ। जब मैं लिखने लगा तो मैं तो कोई लेखक था नहीं, मैं लिखने का कारण ही एक था, जो पहले ही मैंने शायद आपको कहा होगा कि आरएसएस के बारे में लोगों की गलतफहमियां दूर की जाए। इसके लिए मैंने अंग्रेजी को चुना कि सलमान खुर्शीद जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं तो पढ़े लिखे लोगों को पहले ज्ञान देना पड़ेगा, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखता था। और इस तरह और भी लोग लिखने लग गए, सोशल मीडिया में जवाब आने लग गए। आरएसएस का मीडिया सेल या प्रचार विभाग 1990 के आसपास, यानी आज़ादी के लगभग 50 साल 40 साल बाद वो बना, या उनके स्थापना के 1925 के बाद में लगभग 70 साल के बाद एक मीडिया सेल बना, उसके पहले था ही नहीं। तो आरएसएस को ध्यान में आ गया कि उत्तर देना पड़ेगा, अपने बारे में सही जानकारी देनी पड़ेगी, तभी लोगों को पता चलेगा। लोग जो बताने वाले तो गलत ही बताएंगे। तो धीरे धीरे वो बन रहा है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा एनर्जी न लगाना। आज भी कहते हो, कहते जो काम है काम बोलेगा, काम की जानकारी दो, अपने बारे में जानकारी दो, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे के जवाब दे दे के अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो, लेकिन जवाब तो देना है, उसको ढंग से जवाब देने का प्रोसेस शुरू है। इसी कारण जो बदलाव आप देख रहे हो, आप देख रहे हैं कि आज जो उत्तर मिल रहा है, उत्तर मिलने का कारण ऐसा वातावरण आरएसएस खड़ा कर पाई सब जगह, खासकर भारत में, कि ऐसे बोलने वाले लोग बुद्धिजीवी प्रोफेसर लेखक बन गए जो पहले नहीं थे, क्योंकि उनको पहले बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। एक बड़ी अच्छी बात था, होसबड़े जी ने एक लेखक को कही, पवन वर्मा जी को, एक किताब के रिलीज के समय, कि आज से 10 साल पहले अगर आप किताब लिखते, आप लिखते इंडियन सिविलाइजेशन, आज आपने किताब लिखी हिंदू सिविलाइजेशन। क्यों लिखी? क्योंकि आपको पता है कि आज हिंदू सिविलाइजेशन लिखना सही है, हिंदू सिविलाइजेशन कहने पर आपकी किताब अधिक बिकेगी और आपको कहने में डर नहीं लग रहा। तो आज अगर हिंदू बात करने में डर नहीं लग रहा इंटेलेक्चुअल क्लास को, ये एक बड़ा परिवर्तन वो आरएसएस के कारण हुआ है। उसको चाहे आरएसएस को आज कोई ये भी कहे कि तुम कुछ करते नहीं बोलते नहीं, लेकिन वातावरण बदलने में बहुत बड़ा हाथ ये आरएसएस का रहा, और इसके कारण आज जो लेखक कुछ बोलने को डरते थे आज वो बोलने लगे हैं, यूनिवर्सिटी में बोलने लगे हैं, बुक्स में बोलने लग गए हैं। जो विक्रम संपत, जिसको कोई संघ से लेना देना नहीं था, जब उसको बैंगलोर लिटरेचर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक आरएसएस के लीडर को ही वहां बुलाया था, उसके बाद उसको पता चला कि सेक्युलर क्लास क्या होती है, लिबरल कितनी इलिबरल होती है, अब सावरकर पे लिख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोगों के ध्यान में आने लगा है, वातावरण बदलने लगा है। इसलिए केवल पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा करने से अच्छा है कि जब आप इस प्रकार का सॉलिड काम खड़ा करते हो तो लोगों के ध्यान में आता है कि जो हम समझ रहे हैं उससे असली पिक्चर बहुत अलग है। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं भी आज से 10-12 साल पहले आरएसएस से आगाह नहीं था, लेकिन मैं सुबह शाम आरएसएस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा सुनता था। फिर मैंने जब अपनी रिसर्च की तो मुझे पता चला ये तो सेवा की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअलिज्म का इसमें डिस्कोर्स है। ये सब बातें जब मुझे समझ आई, इसके साथ साथ मैंने और देखना शुरू किया कि आरएसएस को जिस तरह पेंट किया जाता है, पोर्ट्रेट किया जाता है कि कोई ये एलिजिडली टेररिज्म के कामों से इनका ताल्लुक है, तो मुझे तो कहीं कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आया। और फिर वो काओ लिंचिंग और पता नहीं क्या क्या स्टोरीज सामने आने लगी। लेकिन जब मैंने एज एन इंडिपेंडेंट पत्रकार इन सब चीज़ों का मुशाहिदा किया, उन सबको पढ़ा, तो मुझे कहीं पर भी आरएसएस का कोई रोल नज़र नहीं आया। तो ये बातें जब मैं बहुत आसानी से समझ सकता हूँ, तो आफ्टर ऑल जो भारत के मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार लोग हैं, उनको ये बातें, वो तो पले बड़े हैं उसी समाज में, उनको क्यों समझ नहीं आती? वो कारण वही है जो मैंने बताया कि जिस मीडिया में पढ़े हैं, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा है, जिसके अंदर एक सोच डाल दी गई जो लेफ्टिस्टों ने बड़े प्रयत्न से 70 साल में खड़ी की, बहुत कोशिश करके, उस एजुकेशन सिस्टम जो निकलता है उसका रिफ्लेक्स यही है कि मैं तो हिंदू, मैं तो सेक्युलर, बड़े दिल वाला हूँ, बाकी जो भी है उनको जो सब सही कर रहे हैं, और हमारी जो सोच है बड़ी घटिया है, हम तो जातिवाद मानते हैं, हम तो विधवाओं को तंग करते हैं, और जो भी जो जो गलत बातें उनको बताई गई उनको वो पता है, लेकिन सही बातें नहीं पता। जब पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो जो अच्छा था उसको हिंदू नहीं कहा, केवल कास्टिज्म के नाम पे हिंदू शब्द का उपयोग किया,
और जो कहते थे कि मंदिर जाना मुझे एक बेचैनी होती है, उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को बेस बना के जब आप अपनी सारी संस्कृति और इतिहास लिखेंगे तो नेचुरली खोट रह जाएगा। और वास्तव में संघ के बारे में अधिक जाना, जैसे आपने जाना, ऐसे जब 2008 और 9 के बाद जब सैफरन टेरर का बहुत बड़ा एक आडंबर खड़ा किया गया, उसके बाद बहुत सारे हिंदुओं को लगा कि हिंदू टेरर ऐसा क्या है। उसके बाद में आरएसएस से जानकारी आने से की पूछताछ बहुत ज्यादा लोग करने लगे और आरएसएस की वेबसाइट पर जाने लग गए, ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, किताबें पढ़ी, उनको पता चला कि आरएसएस क्या है। तो आरएसएस की बढ़ती लोकप्रियता में क्रिटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि पढ़ें कि ऐसी क्या बुराई है। और मैं आपको, आपने कहा कि कैनेडा में, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर बना है चन्नी, उसने कहा कि आरएसएस जो है, विधानसभा में कहा कि आरएसएस को अकाली दल ने पंजाब में एंट्री दिलाई, इसको इसको उन्होंने बढ़ाया, बीजेपी को एंट्री दिलाई, आरएसएस तो एंटी पंजाबी है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बेसिरपैर की बातें की। यही बात पहले खालिस्तानी कहते थे, और खालिस्तानी कहते हैं कि आरएसएस वाले हमारे दुश्मन है क्योंकि सिखों को हिंदू बनाना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, जब हम हिंदू और सिख को एक ही फैमिली का अंग मानते हैं और हमारे घरों से सिख निकल के सिख बने, पहले गुरु से लेकर, तो हमको उनका उनको कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? कन्वर्ट कौन कर रहा है? चर्च कर रहा है। पंजाब के अंदर बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ही मैसिव स्तर पर कन्वर्जन हो रहे हैं, लेकिन खालिस्तानियों ने, एसजीपीसी ने, अकाली दल ने, कांग्रेस ने कभी एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला नहीं। और जो जो चर्च सारे हिंदू धर्मों की बुराई करता है, उस चर्च को वहां पर इतना बढ़ावा मिल रहा है। वहां चन्नी आके कहता है, जो शायद कन्वर्ट है, मुझे पता नहीं, उसकी वीडियो घूम रही है, वो कहता है कि पंजाब का दुश्मन आरएसएस है। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर मैंने बताया कि पंजाब के अंदर आरएसएस 1930 में आ चुका था, और इतना ही नहीं तो 1942 तक बड़ी ताकत बन चुका था। 1948 में दंगों के समय, 1947 में पार्टीशन के समय, बहुत सारे एविडेंस है किस प्रकार से आरएसएस ने वहां पर सिखों और हिंदुओं को बचाया, उनको लेकर आया, गोल्डन टेम्पल को बचाया, और अपनी जान पे खेल कर बचाया, अपनी जाने गवाई, फैमिली गवाई, धंधे गवाए, ये सब रिकॉर्डेड है हिस्ट्री के अंदर। इसके बावजूद अगर आप कहते हैं ऐसा, तो आपकी सोच में कमी, 1984 में कौन खड़ा जब सिखों का कत्ल हुआ? आरएसएस खड़ी रही। भिंडरांवाला किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने खड़ा किया। पंजाब को पंजाबी सूबा बनाने में डिले किसने किया? कांग्रेस ने किया। भारत में लैंग्वेज के ऊपर 1952 से स्टेट बनने लग गए थे, लेकिन पंजाब को 1966 तक पंजाबी सूबा नहीं बनाया गया। उसके लिए आवाज किसने उठाई? हमारे आरएसएस चीफ ने उठाई। पंजाबी भाषा अपनी मातृभाषा बोलो, इसका आग्रह किसने किया? आरएसएस के चीफ ने किया। ये सारा, और खालिस्तान के समय सिख हिंदू में बंटवारा न पड़े, इसके लिए वहां पर आरएसएस ने पंजाब सुरक्षा समिति बनाई और बहादुरी के साथ सारे पंजाब में खड़े रहे, और उन्होंने कहा हिंदू सिखों बंटने नहीं देंगे, और उन्होंने मोर्चे निकाले, जुलूस निकाले, उतने डर के माहौल में, ताकि कोई छोड़ के ना जाए पंजाब। उसको आज चन्नी अगर कल का पैदा हुआ या चीफ मिनिस्टर, आज उसको किसी ने बिठा दिया, ऐसी भाषा का उपयोग करता है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो भाषा किसकी है? खालिस्तानी की भाषा है, वो पाकिस्तान की भाषा है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो दुष्प्रचार है, और अगर आप देखें कि इनको पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, सारा जो राजा रणजीत सिंह का राज्य था वो अधिकतर वेस्ट पंजाब में था, जो पाकिस्तान में है। इनको लाहौर नहीं चाहिए, इनको वहां के तीर्थ स्थान नहीं चाहिए सिखों के, उनको इस तरफ पंजाब में उनको खालिस्तान बनाना है। तो सारी विकृत जो सोच है, उसका दोष आरएसएस पे गढ़ना, और अपनी कमजोरी कि आपके राज्य के अंदर आपके लोग छोड़ रहे हैं, अपना पंथ छोड़ रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, नशे के कारण उनका हाल बुरा है, तो एसजीपीसी ने, खालिस्तानियों ने, उनके बच्चों को नशे से बचाने के लिए, उनको इस प्रकार से रूटलेस बनाने के लिए क्या किया? क्यों पंजाब का सारा यूथ पंजाब छोड़ के जाना चाहता है? इसका उत्तर है उनके पास। अगर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तो वहां पर आज ऐसी हालत क्यों है कि वहां का हर जवान लड़का लड़की छोड़ के जाना चाहता है पंजाब? और पंजाब के अंदर इंडस्ट्री छोड़ के जा रही है, पंजाब के अंदर से कॉमर्स छोड़ के जा रहा है, तो इसके करने क्या पंजाब में बचेगा क्या? वहां की सॉइल इरोड हो रही है, सेलिनेट हो रही है, वहां इरिगेशन का पानी अधिक से अधिक यूज हो रहा है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सारा सॉइल अनप्रोडक्टिव हो रही है, पेस्टिसाइड लगा लगा के कैंसर हो रहे हैं, और पंजाब का किसान बठिंडा से ट्रेन पकड़ता है, उसको कैंसर स्पेशल बोलते हैं, और बीकानेर में जाके इलाज कराता है। क्या पंजाब के राजनीतियों को इसके ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या खालिस्तान का समर्थन करने वालों को इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? तो जिन मुद्दों को लेकर आज वो सारे झगड़े डाल रहे हैं हिंदू सिखों में और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये बहुत सोचने वाली बात है कि वो खुद का नुकसान कर रहे हैं कि किसका नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की परसेप्शन की, भारत के अंदर जो
आरएसएस का परसेप्शन है वो तो अपनी जगह पे है, और इस वक्त के बदलते हुए हालात में हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि बहुत बड़ी अक्सरियत को बात समझ आ चुकी कि हिंदूनेस का मतलब ये है कि अपने हिंदू विरसे को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे उसका परसेप्शन वेस्टर्न वर्ल्ड में डॉक्टर साहब ये बन रहा है कि ये हिंदू कौम परस्त हैं, जो मेरे नज़दीक तो अच्छा शब्द है, मगर जब मैं अल जज़ीरा देखता हूँ, टर्किश टीवी देखता हूँ, सीएनएन देखता हूँ, बीबीसी देखता हूँ, तो उसमें बहुत ही खुल के ये कहा जाता है कि जी ये एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू वर्जन वहाँ बिल्ट हो रहा है और इसके पीछे आरएसएस खड़े हैं। तो ये जो परसेप्शन है इसको हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे काउंटर करना चाहिए? देखिए, मैं बार बार अपने वहाँ के कनाडा और यूएसए के और यूके के वहाँ के हिंदू और इंडियन मुस्लिम जो भी, उनको बार बार ये कहा करता हूँ कि आपको वहाँ का परसेप्शन बदलना आपका काम है, क्योंकि आप वहाँ रहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं उसको सही करना, उसको बताना वहाँ के लोगों का काम है। और जब तक वो हिंदू धर्म को नहीं परखते, जब तक हिंदू धर्म उनको पता ही नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में जैसे मैंने कहा बताने वाले कौन है, तो जो हिंदू धर्म से ही नहीं आए, जिनको बेसिकली हिंदू टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता, जिनको धर्म और रिलीजन में फ़र्क नहीं पता, जिनको एक मोनोथीस्ट और बिल्कुल एक्सक्लूसिव भगवान विरुद्ध इंक्लूसिव सबको सबके अंदर आत्मा देखने वाला एक समाज और प्रकृति की पूजा करने वाला समाज और सबको इज्जत के भाव से देखने वाला समाज, इसमें और हाईली इंटॉलरेंट एक्सक्लूसिव इस रिलीजन से फ़र्क जिसको नहीं दिख रहा, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को हम क्या करेंगे? तो हिंदू धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है जब तक ये नहीं बताएंगे, जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल्स ही अलग है, जब तक ये फंडामेंटल्स अलग है हम बता नहीं पाएंगे। जिसके अंदर राजीव मल्होत्रा जी ने वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत काम किया है, हमारे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन और भी करने की आवश्यकता है। और जो अल जज़ीरा और टर्की की बात करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये कौन से इस्लाम की बात करते हैं, अगर इस्लाम अगर, और दूसरा क्या है कि पहले एक तो नेशनलिज्म की व्याख्या वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में जो वर्ल्ड वॉर के समय बनी थी उसको लेके हम चल रहे हैं। नेशनलिज्म की व्याख्या वेस्टर्न वर्ल्ड की 300 साल पुरानी है, हमारी नेशन की जो व्याख्या है, राष्ट्र की व्याख्या है, ये 6000 साल पहले वेदों में भी लिखी गई है, जो केवल कल्चरल और जियोलॉजी जो जियोग्राफिकल कंसेप्ट था, जिसके अंदर पंथ या पूजा पद्धति थी ही नहीं। तो ये उस समय जब हमने राष्ट्र की कल्पना कर ली, और राष्ट्र निश्चित रूप से किसी को जीत कर हराने वाला राष्ट्र तो था नहीं, हमारी सारी किताबों में कहीं पर भी किसी को उसके पंथ के नाम पर उसको हराना और उसको परिवर्तित करना ये तो हमारे किसी किताब में लिखा ही नहीं है। हमारी राजा भी अगर जीते तो वहाँ के लोगों का पंथ परिवर्तन करना, उनको अपने जबरदस्ती अपना स्टेट रिलीजन लाना, ऐसा कभी था ही नहीं। भारत के किसी राजा का स्टेट रिलीजन नहीं था, केवल दो ने स्टेट रिलीजन घोषित किया, एक था सम्राट अशोक जिसने बुद्ध धर्म को अपना बताया, जिसको सेक्युलर मोटिफे लोग मानते हैं, और अकबर जिसको लोग सेक्युलर राजा मानते हैं। इन्होंने केवल स्टेट रिलीजन घोषित किया दीन इलाही, और बौद्ध धर्म बाकी किसी ने किया नहीं, क्योंकि हम सबको राजा एक ही दृष्टि से देखता था, हमारा थियोक्रेटिक कंसेप्ट था ही नहीं, उससे लोग मिक्सअप करते हैं। अभी मैं आऊँ टर्किश टीवी और ये अल जज़ीरा टीवी, टर्की लोग क्या कर रहे हैं, खुद टर्की ये देश है कर्ड लोगों को मार रहा है, सारा मुस्लिम समाज एक दूसरे को मार रहा है। अगर आप हिंसा को देखें तो आप ये पाएंगे, मैं कुछ फिगर निकाल रहा था कल जब आपसे मेरी बात हुई उसके बाद में, कि ऐसा माना जाता है कि इस्लामिस्ट ने लगभग 167,000 लोगों को पिछले साल भर में इसमें मारे, जो मुसलमान ही ज्यादा थे, और यूएनओ के अनुसार इराक के अंदर 19,000 लोग मारे गए 2014 से 15 के बीच, यमन में 233,000 लोग मारे गए, जो अधिकतर जिसमें 3,000 बच्चे थे, पाकिस्तान में 2001 में से लेकर 35,000 लोग मरे हैं, जिसके अंदर 5,000 सिक्योरिटी के लोग हैं, ये भी उसी धर्म के लिए मरे हैं, उसी पंथ के लिए मरे हैं। और मुस्लिम जो आईएसआई वाले जो मैंने कहा था उदाहरण, अगर और मैं आपको इसकी फिगर्स दूं तो सीरिया के अंदर सिविल वॉर में 5,00,000 से 6,00,000 लोग मरे हैं जून 2021 तक। तो ये सारे अपने ही समाज के लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, अगर आप कहते हैं कि हम जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, तो ब्रदरहुड किसकी है? अगर अल्लाह एक है, मोहम्मद एक ही थे, अगर मोहम्मद और अल्लाह ने नहीं कहा कि मेरी 10 जमाते हैं, मेरे 10 सेक्ट हैं, तो ये सेक्ट बना के अपने आप को मोनोपोलाइज करने वाले कि मेरा ही अल्लाह सच है, मेरा ही प्रॉफिट मोहम्मद सच है, ये कौन लोग हैं? और सारी दुनिया में तबाही मचाने वाले, अफ्रीका से लेकर यूरोप से लेकर सारे मिडिल ईस्ट के अंदर जो लाखों लोग मर रहे हैं, वो उनके ही धर्म वालों को मार रहे हैं, बाहर वाला कोई नहीं मार रहा, अफगानिस्तान में कोई मर रहे हैं। शिया सुन्नी का झगड़ा, यानी जो भी जमात का झगड़ा,
ये करने वाले जो लोग हैं, अगर कहते हैं हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल एक है, रसूल ने तो नहीं बनाए थे ना परफेक्ट, तो ये लाखों लोग जो मर रहे हैं, ये जो एक अपने 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 एक सेक्ट को पकड़ के अपने अपने आप को सच बताने लोग जो मर रहे हैं, इनके बारे में अल जजीरा का कहना क्या है, इनके बारे में टर्किश टीवी का कहना क्या है, इस पे गौर करना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि आपको मारने वाले आपके ही लोग हैं। यमन के अंदर आप देखिए, यमन के अंदर कौन मार रहा है, वही अरबी एक दूसरे को मार रहे हैं, जिसके अंदर जैसे मैंने बात कहा कि लगभग 2.5 लाख लोग, 2,30,000 लोग मर चुके हैं। तो ये जब तक हम नहीं सोचेंगे कि ये कत्ल करने वाला भी आपका ही आदमी, मरने वाला आपका आदमी, दोष आप दूसरों को देते हैं। अगर मरे हुए 90% लोग मुस्लिम फॉलोअर हैं, बाकी केवल 7-8% लोग हैं, तो सोचना पड़ेगा कि आप किसका साथ दे रहे हैं, आप कौन से नेशनलिज्म का साथ दे रहे हैं, आप कौन से सुप्रीमेस रिलीजन का साथ दे रहे हैं, ऐसा सुप्रीमेस रिलीजन जिसके अंदर लोग एक दूसरे को सुप्रीमेस मान रहे हैं। अगर मैं मान लूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद एक ही था, रसूल एक ही था, तो बाद में नीचे जो उनके सूबेदार बैठे, जो ठेकेदार बैठे, वो क्या कर रहे हैं, टर्की क्या कर रहा है, इराक क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, यमन क्या कर रहा है, सीरिया कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या कर रहे हैं लोग, या जो बोको हराम वाले लोग बैठे हैं नाइजीरिया में, कीनिया में खून खराबा कर रहे हैं, कौन लोग हैं। तो जब तक ये सोच इनकी क्लियर होगी, तब तक हिंदू धर्म, जिसने कभी किसी को मारा नहीं, मुझे एक बताइए, केवल एकमात्र हिंदू धर्म है जिसके राजा साउथ ईस्ट एशिया तक गए, सारी दुनिया भर में उन्होंने ट्रेड किया, लेकिन उनको लोग आज भी प्यार की नजर से देखते हैं। एकेडमिक छोड़ दीजिए, उनकी इज्जत करते हैं। आप जाइए इंडोनेशिया में, आप जाइए साउथ ईस्ट एशिया में, आपको बहुत इज्जत मिलेगी कि आप भारत से आए हैं, आप बुद्ध के देश से आए हैं, वहां पर ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा एक कॉलोनियल मास्टर बता दीजिए, फ्रेंच चाहे ब्रिटिश चाहे गोरे, अपने फ्रेंच हॉलैंड वाले चाहे यूके वाले, जिनको वहां के, जिनको उन्होंने कॉलोनी बनाया था, उनको इज्जत देते हो। तो ये जो हिंदू राजाओं को या हिंदू सभ्यता को इज्जत इसलिए मिलती है, इन्होंने अपने आप को किसी पे थोपा नहीं, जिसको लगा वो उसने अपना परिवर्तन किया, जब उसने दोबारा परिवर्तन किया कोई चिंता नहीं है। तो इस प्रकार की सोच वाले धर्म को अगर आप इससे इक्वेट करेंगे, बोको हराम से और एक दूसरे को शिया सुन्नी और अली अलग अलग नामों से कत्ल करने वाले लोग, तो बहुत बड़ी सोच में एक जो जब तक सोच सुधरेगी नहीं जब तक, और ये सोच सुधारने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, देखिए बात यह है कि ये सिर्फ अल जज़ीरा का या टर्किश टीवी का मामला नहीं, बल्कि भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही बड़े बड़े नाम जो यहाँ CNN, BBC के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और जिनके नाम भी हिंदू हैं और बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी हैं, ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के जो वेस्टर्न वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले पत्रकार हैं, वो सब के सब यही परसेप्शन बिल्ड करते हैं CNN, BBC, अमेरिका के तमाम टेलीविजन मीडिया और उनके आर्टिकल्स छपते हैं जिसमें यही बताया जाता है कि इस वक्त जो भारत का प्रकार है वहाँ पर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोग सरकार चला रहे हैं, ना सिर्फ सरकार चला रहे हैं, समाज भी चला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के लीडर्स हैं अमेरिका इसीलिए मैंने में। कहा ना, देखिए इसीलिए जी मैंने कहा आईना दिखाना पड़ेगा। जी और अगर आप कई रिपोर्ट्स को देखेंगे तो जितने मीडिया का आपने नाम लिया, उनको कंट्रोल करने वाले वही 5-6 फाउंडेशन है सारी दुनिया में, जो ये सारे के सारे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, लेबल का ही होंगे कंट्रोल करने वाले, जो वही 6-7 फाउंडेशन है, 6-7 फंड्स हैं, 6-7 बड़े बड़े जिसको कह सकते हैं कि ये कैपिटलिस्ट हैं, जो इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, तो नैरेटिव वो सेट करते हैं। वरना एक कोई समाचार निकलता है भारत से, वो 1 घंटे के अंदर सारी दुनिया में हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में कैसे आता है, उसका उत्तर देंगे तो उत्तर क्यों नहीं आता। तो वहाँ एक पूरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट जमा हुआ है। जैसे मैंने कहा, जब तक पावर और पैसा वो कंट्रोल कर रहे हैं, स्पॉन्सरों कर रहे हैं, तो ऐसे लोग इनको मिलते रहेंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा। लेकिन जब तक ये पावर उनके हाथ में, उसके सामने काउंटर वेलिंग पावर खड़ी हो और आम समाज उसे बाहर नहीं, भारत के अंदर भी ये मीडिया ही कंट्रोल करते थे, लेकिन जब यहाँ विचार जो था आरएसएस द्वारा हिंदू का विचार फैला, करते 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 लोगों के विचार बदले, तो उनके व्यवहार जो है वो लोगों को बदल के दिखाएंगे। पश्चिम में भी जब वहाँ का इंडियन, वहाँ का हिंदू, वहाँ का भारतीय कल्चर मानने लगती, जब अपने व्यवहार से चलेगा तो उससे बदल आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नैरेटिव जो एकेडमिक में सेट हो रहा है, जो मीडिया में सेट हो रहा है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, देना चाहिए, और आप जैसे लोग ये काम कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, उनको करना ही पड़ेगा, तब जाके बदलेगा। क्योंकि उनके जैसी पावर और मोनोपोली ये तो किसी और काउंटर कोई ग्रुप में अब तक है नहीं, आनी भी इससे मुझे मुश्किल लगती है। इस्लाम के कई लोगों ने वहाँ की यूनिवर्सिटीज के अंदर काफी फंडिंग देके
मिडिल ईस्ट के लोगों ने वहाँ का नैरेटिव चेंज किया, जो एंटी इस्लामिक सारे नैरेटिव उसको बदल दिया और इस्लामोफोबिया का वर्ड निकाल के सबको डरा के रख दिया। ये सफलता पेट्रोडॉलर्स की थी और उन्होंने काम किया। ऐसा काम भारत के लीडर, भारत के पॉलिटिकल पावर्स करेंगे कि नहीं, ये सोचने की बात है। लेकिन आज नहीं तो कर अवश्य अपने आप ही जो होगा ये बदलेगा, क्योंकि जब आप देखें यहाँ का वेल्दी इंडियन अमेरिका का, कनाडा का, वहाँ की यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन के लिए पैसे देता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, उसके नाम पे चेयर रखे जाते हैं, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट, उसका कोर्स मटेरियल, इसमें कुछ भी उसका हाथ नहीं होता। तो केवल अपने नाम के लिए जो इस प्रकार के इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित जो भारतीय इंडस्ट्री वाले मिलियंस ऑफ डॉलर इंडस्ट्री को देते हैं, जब वो ऐसे पैसे भारतीय विचार करने वाली फाउंडेशंस और भारतीय विचार करने वाली यूनिवर्सिटीज को देंगे, तब ये विचार अपने आप खड़ा होगा। तो जो स्वार्थ भाव से केवल आज ऐसे लोगों में शामिल है, तब उनको और रास्ते मिलेंगे, जो अच्छे लोग हैं उनको भी रास्ते मिलेंगे, तब धीरे धीरे परिवर्तित होगा। आप हमें ये बताइए कि जो भारत की हिंदू सिविलाइजेशन का हिंदूनेस फैक्टर है, उसको मिलाइन करने के लिए आर्ट से तल्लुक रखने वाले हमारे अपने लोग, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो ओटीटी के दूसरे मीडिया आउटलेट्स हो, वो अपना एक बहुत ही डेरोगेटरी नैरेटिव सेट करते रहते हैं। जो ओपोनेंट्स हैं, जो इस वक्त नैरेटिव सेट कर रहे हैं, परसेप्शन सेट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत को एक बैकवर्ड समाज की तरफ आज का जो हिंदू कॉन्शियसनेस है वो लेके जा रहा है। इस तरफ आप कैसे अपनी रोशनी देखिए डालेंगे? ताहिर जी, नैरेटिव आज नहीं सेट हो रहा है, नैरेटिव तो 1947 से ही सेट हो रहा था। अंग्रेज तो सेट कर गए थे उसी मैकॉले की सोच को लेके, नेहरू जी और सबने चलाया। जब आप बाहर से आने वाले विदेशियों को ताजमहल केवल दिखाते हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर वंडर नहीं दिखाते, जब उनको सांप सपेरे का खेल दिखाते हैं, जब उनको ऊंट और घोड़े का खेल दिखाते हैं और यहाँ के साइंस को नहीं दिखाते, तो परसेप्शन तब से चला रहा है। उसके विरुद्ध जो काउंटर परसेप्शन है अब बनने लगा है। जब मोदी योग को दुनिया का सबसे बड़ी अचीवमेंट बना के इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं, जब मोदी जी यहाँ के लीडर्स को भारत के अंदर लाते हैं, तो उनको भारत के अलग अलग कोनों में भारत की ग्रेटनेस, आर्किटेक्चर, यहाँ की हिस्ट्री में लेकर जाते हैं, तब लोगों का परसेप्शन चेंज होता है। लीडरशिप को चेंज करने का यही तरीका। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो यूएसए में रहता है भारतीय, वहां से वो अपने फाउंडेशन के द्वारा वहां के लोगों को यहाँ लाता है और यहाँ भारत के अलग अलग स्थान, मंदिर और टूरिस्ट स्पॉट और एजुकेशनल सेंटर सारे दिखाता है और यहाँ के गुरुओं से मिलाता है जो अच्छे गुरु हैं, और वापस जाते हैं उनका परसेप्शन चेंज होता है। ऐसे मेहनत करने वाले लोग हैं। जब हमने ही अपने आप को एक बिल्कुल इस प्रकार से सीमित रखा, हमने अपनी सभ्यता को आगरा से बाहर कुछ दिखाया ही नहीं, उससे बड़े बड़े आर्किटेक्चरल वंडर भारत के अंदर है उसकी बात नहीं की, हमने अपने विज्ञान की बात नहीं की, हमने हमारे साइंस की बात नहीं की, हमने हमारे अचीवमेंट्स की बात नहीं की, हमने सब मान लिया कि वेस्ट ने हमको दिया है। हमारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाया गया कि भास्कराचार्य कौन था, हमारे स्कूल ने बताया कि आर्यभट्ट कहाँ था, किस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं साइंटिफिक और मैथमेटिकल, उससे 500 साल पहले, 300 साल पहले भारत में हो गए थे, जब हमको ही नहीं पता, जब हमको चाणक्य और अर्थशास्त्र नहीं पता, दुनिया क्या देखेगी। तो पहले तो हमें अपना घर सुधारना पड़ेगा, हमारे ये ज्ञान का कोष हमें बाहर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सारे ट्रेजर को, तब लोग समझेंगे। वो जब तक हम अपने घर में नहीं हमने किया था शुरू, बाहर कैसे समझते, अब अपने घर में शुरू किया है, लोग पढ़ने लगे हैं, जानकारी लेने लगे हैं, एजुकेशन सिस्टम में नहीं भी आया, लोग अलग अलग जगह से पढ़ने में इच्छुक है, पढ़ने लगे हैं और उसके ऊपर लिख रहे हैं। मैं ऐसे यंग लोगों को जानता हूँ, अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं, ये सारी बातें बाहर ला रहे हैं। तो ये जब बदल आ रहा है तो बदल सारी दुनिया में दिखेगा, हमने ही अपने आप को जैसा प्रेजेंट किया लोग तो वैसे ही मानेंगे ना। पाकिस्तान के समय भारत से ज्यादा जीडीपी था और एक कॉन्फिडेंट देश था, आज अपने आप को एक बिल्कुल टेररिज्म का अड्डा बना के बैठा है, तो वेस्ट वर्ल्ड क्या करेगा। अगर भारत को हमने गरीब और निकम्मा और कुछ बिल्कुल कुछ जिसने किया ही नहीं ऐसा माना, हमने चर्चिल की पूजा की जिसने 3 करोड़ भारतीय मार दिए फेमिन में वर्ल्ड वॉर 2 के समय, तो यूके क्या करेगा। नेटिव अमेरिकन मार दिए गए, ब्लैक्स मार दिए गए, उसकी चिंता छोड़ के हमको सुना रहे हैं वो, तो ये फिर हम क्या किया जा सकता है। तो हमें जब तक हम अपने आप को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते, जो मोदी जी ने शुरू किया है, तो ये परसेप्शन वही नहीं बदलेगा। आप सोच सकते थे कि सोलर अलायंस खड़ा किया जाएगा एनवायरनमेंट के सामने, यूएसए की पावर के सामने, उसके अंदर 100 देश शामिल हो गए, सबसे आखिर में यूएसए भी उसको साइन करेगा। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट, जस्ट इमेजिन कि जो यूएसए दुनिया का लीडर था, जो एनवायरनमेंट इश्यूज को कॉप को लगातार फेल कर रहा था, उसको सोलर अलायंस में शामिल होना पड़ा विद इन 3 ईयर्स। इससे बड़ी अचीवमेंट आप क्या मान सकते हैं कि किस प्रकार भारत अपने आप को कंडक्ट कर रहा है। जो सारे नेशंस के ब्लॉक को लीड कर रहा है, अफ्रीका को लीड कर रहा है, वो
अन्य देशों को दुनिया के सामने खड़ा कर रहा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल में, जिस प्रकार मोदी जी ने छाती ठोक कर कहा कि हम ये कर चुके हैं, हम और भी करेंगे, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, ये कहने की ताकत आज तक किसी भारत के नेता में थी क्या? जब ये प्रोजेक्शन होगा कि एनवायरनमेंट के लिए भी हम ही काम कर रहे हैं, हम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ही मॉडर्न साइंस को ला रहे हैं, और हम ही किस प्रकार से दुनिया को बचाने के लिए हम प्रायोरिटी दे रहे हैं और सामने चैलेंज करेंगे, हम सोलार अलायंस खड़ा करेंगे, ये जब हो रहा है तो दुनिया में परसेप्शन बदलेगा। मोदी जी की सरकार में उनको इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है, जितना फंड्स माइनॉरिटी के लिए, उसमें विशेषकर मुस्लिम समाज के लिए इस गवर्नमेंट ने दिया है पिछले 7 साल में, जिस कारण बहुत क्रिटिसिज्म बहुत हिंदूवादी भी करते हैं, इससे अधिक फंड और उनके उनको पुराने विचारों से मॉडर्न एजुकेशन को लाने का जो मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, किसी ने की नहीं है। इसके बावजूद अगर वहां पर इस प्रकार की प्रतिमा बनती है तो उसका उत्तर तो वहां के काउंसिल्स और वहां के एम्बेसडर्स को अपने पीआर को सुधारना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई ख़ास बात जो आप महसूस करते हो कि हम मिस कर रहे हैं आज की गुफ्तगू में, तो ज़रूर आखिर में शामिल कीजिए। नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि आप जैसे लोग और जो भी वहां पर अपने आप को भारतीय मानने वाले लोग जो अपने आप को इस मिट्टी से जुड़ा हुआ मानते हैं, वो इसका सही प्रोजेक्शन करते रहें, और जो लोग इस बारे में काम करें उनको मौका देते रहें ताकि लोगों के सामने सही बात रख सकें, तो निश्चित उसमें धीरे धीरे परसेप्शन चेंज होगा। जब मैं कहा करता हूँ कि भारत की चिंता छोड़ के वहाँ के रहने वाले जो भारत से जुड़े हुए, जो भारत को अच्छा मानते हैं, वहाँ पर परसेप्शन चेंज के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें वक्त दिया और इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट इशू पे बातचीत हुई। धन्यवाद जी। थैंक यू व्यूर्स, बात ही सुन रहे थे आप डॉक्टर रतन शारदा जी की। उन्होंने इस सारी सूरत हाल पर खुल के रोशनी डाली कि किस तरह हिंदूनेस को मिलाइन किया जा रहा है इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड, और किस तरह हम लोगों को, ख़ास तौर पर वो भारतीय जो भारत से बाहर पूरी दुनिया में बसते हैं, किस तरह हमें अपना किरदार अदा करना है अपना काउंटर नैरेटिव लाने के लिए और अपना परसेप्शन बिल्ड करने के लिए। आज का बिला तकल्लुफ तैज़िया मेरे साथ और डॉक्टर रतन शारदा जी के साथ, देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.